हाँ हम काम कर रहा था सो आदमी आन के गाड़ी रोक के देखा था तो हंसते हंसते देखो महिला कारीगरी कर रही है अपना बेलदारी को काम नहीं करती है कारीगरी कर रही है महिला उस पर थोड़ी बनेंगी। तो हमने कहा नहीं हम कारीगरी कर लेते हैं तो हम अपनी कारीगरी करेंगे। तो हंसते हंसते आदमी देखते चले जाते हैं हमें जाइए अपनी करते रहे हम उनसे कुछ मतलब नहीं रखो हमें लगता है था लेकिन हमें करने तो काम बच्चे पालने थे सो फिर लगत भी होता अब नहीं लगता है अजी वे अपने सोच में कहते हैं महिला कौन नहीं कर पाती है हम कर पाते हैं काम हम अपने दिमाग में सोचते हैं कि जो काम ऐसा करना है तो दिमाग में दायरा हम काम तो दिमाग से सीख गए हम अपनी अकल से तो लोग हंसी उड़ाते हैं हमारी हम क्या दौड़ाते रहो हंसी हमें अपना काम करने हम किसी की नहीं सुनते हैं अपने काम से मतलब रखते हैं। कारीगरी में बहुत मेहनत होती है थक जाते शाम के टाइम छांट भी मारना है एक ही हाथ से एक हाथ से पटिया मारना है अपन फिर गोलमाला फिरने एक हाथ से फिर छांट मारने तो कारीगरी में मेहनत ज़्यादा होती है बेलदारी में होती कम बेलदारी के मिलते हैं 150 रुपया बहुत से बहुत 200 मिल जाएंगे कारीगरी के 300 रुपया 350 मिल जाते अच्छे कारीगर हम 400 रुपया बहुत दिक्कत आई हमें बीमार भाई बच्चे मतलब छोटे हथे पढ़ाए लिखाए थोड़े मंजूरी कर करके और लोग कपड़ा पहरा जितने बने अच्छे नहीं पहरा तो गरीबी हालत के बच्चे मतलब पहराए और गरीबी हालत में हमने साड़ी माड़ी पहरी गाँव में सिवाय दे देते एक दो साड़ी तो वही पहन लेते हम जी तम पहन लो हाँ कर ले तुम कारीगरी कर लेती हो सामने जी सर हम कर लेते हैं साहब भी आते बाहर के जहाँ से जावाली स्कूल भी बनाई हमने सरकारी थे सब लोग कहते तुम कारीगरी सीख जाती हो कभी औरतें तो करती नहीं हैं तो हमने हम कारीगरी कर लेते हैं तो कहते जरा करके दिखाओ सो हम करके दिखा देते बाबू जी कानपुर तक के आए होते मतलब ठेका दे रहा तो नहीं थे हमें सरकारी स्कूल को तो सब लोग होते ही हम लगा देते हाजी भी मतलब पढ़े नंजा हम तो हाजिरी भरवा लेते हम जितने आदमी लगा देते जमीन मंजूरी करते कर्जा है तो जमीन हती सो हमारे आदमी ने बेच दे हमें मालूम नहीं पड़ी फिर आदमी मर गए पैसा एक नहीं मिला जमीन को सो फिर बच्चा छोड़ मरे चार फिर गांव बस्ती वालों ने संग दो हमें कहता मैं तही रहो हम सहारा दें सब बड़े आदमी ने सब ने तो शादी करवाई हमारे बच्चे की ये तो मतलब हमसे कही तब नहीं रहे थे तब साधन हम करें गाँव वाले के लगे सो हम ले रहे सबके भरोसे के सहारो दे घर घाई दवा है उन्ने सो अब भी ले रहे अब भी सहारो दे रहे लेकिन परेशानी बहुत भोगी हमने सो मंजूरी करा रहे फिर बेलदारी फिर हम कारीगरी सीख गए हमारे पति खत्म है सो बाहर हमारे ऊपर आ गया साहब तो बच्चे हमने फिर हमारे ऊपर आ गया बाहर तो बच्चे का काम करने लगे एक दानों भी नहीं है तो घर में हमारे लगा तो फिर पूरा बाहर आ गया तो हम करते रहे काम मजदूरी करते रहे पालते रहे बच्चे हमारे ला खाने के लाने नहीं है तो एक दानों भी नहीं है तो घर में सब फिर हम क्या करते जो भी मजदूरी मिली तो कुछ भी करने आए तो हमें अपने बच्चे पालने आएंगे।